वेलकम टू जे आर क्लासेस। फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये प्रश्न था कि सर टीचिंग डेमो पे आप वीडियो बनाइए आर्ट एजुकेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों, आर्ट एजुकेशन से रिलेटेड टीचिंग डेमो पे वीडियो मैं आप लोगों के लिए ये बना रहा हूँ। तो टीचिंग डेमो में क्या है कि आपको परेशान नहीं होना है उसमें ज़्यादा, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। जैसे भी जो चीज़ें आ रही हैं आपको, वैसे आपको वहाँ पे बना देना। ऐसा नहीं कि आप बहुत इजी वे में बनाने के चक्कर में वो सारी चीज़ें वहाँ भूल जाएं। तो आपको जैसे भी जो चीज़ें आ रही हैं आप वैसे उसको बनाएं। जो भी आपको वहाँ पे माध्यम मिलेगा, चाहे वो व्हाइट बोर्ड मिल सकता है, ब्लैक बोर्ड मिल सकता है, चॉक से बनाना पड़ सकता है, मार्कर से बनाना पड़ सकता है, पेंसिल भी मिल सकती है, तो आप उसके लिए रेडी रहिए। वैसे आप पेंसिल और कॉपी जो है आपका पेपर A4 साइज पे प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी माध्यम मिलेगा उस पर बना लीजिएगा। तो टीचिंग डेमो में क्या खास बातें आपको ध्यान रखनी है, तो उसमें क्या है कि जब भी आप एंट्री करेंगे, जब आपको वो बोलेंगे कि आप कोई भी चीज बना के बताइए, जैसे अगर आपको वो चॉइस देते हैं तो आपको जो बेस्ट आता है आप वो बनाइए। ऐसा नहीं कि कुछ दिखावे के चक्कर में इंटरव्यू को आप खराब कर दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इजी वे में जो आपको अच्छा आ रहा है आप उसको बनाइए, और यदि आपको वो चॉइस दे रहे हैं आप अपने अनुसार बनाइए। तो आपको जो बेस्ट आ रहा है आप उसको बनाइए। तो इन बातों का आप ध्यान जरूर रखेंगे, कोई भी वहां दिखावा नहीं करना है। जो चीजें आपको अच्छे से आ रही, जो चीजें अगर वो बोल रहे हैं बनाने के लिए, आप उसको ही बनाइए। जैसा भी आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि एकदम रियलिस्टिक हो, है ना, कुछ लाइंस के थ्रू भी आप बना सकते हैं। तो जिस तरह का प्रैक्टिस किए हैं उस तरह से आप वहां पे उस चीज को बनाएंगे। टीचिंग डेमो क्या है, यही आप इसको घबराइए नहीं। वो क्या हो सकता है कि वो आपसे कह सकते हैं कि हम, मान लीजिए हम आपके स्टूडेंट हैं, आप हमको पढ़ा के बताइए कैसे आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आपको क्या करना है, चॉक या मार्कर मिलेगा, आप बोर्ड पे जाइए, उस दिन का डेट डालिए, है ना। टॉपिक की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जब आप केवी में पढ़ाएंगे तब सिलेबस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक होता है। तो आपसे अगर वो बोल रहे हैं कि आप कोई भी एनिमल बनाइए, तो आप जो भी चीज बना रहे हैं तो वहां पे एनिमल आप ऊपर हेडिंग डाल दीजिए, लिख दीजिए, और उसके बाद क्या है कि वो चीज को आप ड्रॉ करिए। जैसे भी आप बना सकते हैं, कोई फ्लावर आपको बोल रहे हैं बनाने के लिए, तो जो फ्लावर आपको बेस्ट आता है वो फ्लावर बनाइए। यदि आपको वो पर्टिकुलर बोल रहे हैं कि नहीं आपको रोज ही बनाना है, तो आप रोज को बनाइए। हिबिस्कस बोल रहे हैं तो गुड़हल का फूल बोल रहे हैं तो उसी को ही बनाइए। और क्या होता है कि उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है, तभी आप बना पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि आपका हाथ ऐसे हिल सकता है, है ना, वो मूव कर सकता है और अच्छे से बनेगा नहीं। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है और टीचिंग डेमो से घबराना नहीं है। जो भी चीजें आपसे वो पूछ रहे हैं आप उसको भलीभांति अच्छे से उसका आंसर दीजिए, अच्छे से बनाइए। और हम उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम लोगों का इस बार जरूर सिलेक्शन होगा। एक हाउस ड्रॉ कर दे रहे हैं, सिंपल तरीके से आपको पहले उसको बताना है, घबराना नहीं उसमें। इस तरह से आप ड्रॉ करिए उसको, बहुत सिंपली तरीके से जैसा आपको आ रहा है। यहाँ से लाइन डिवाइड कर लीजिए, यहाँ से ट्री आप बना लीजिए इस तरह से, जैसे भी आपको आ रहा है ट्री। ये जरूरी नहीं कि सेम इसी तरह से बने, किसी भी तरह से वो ट्री हो सकता है। और पेड़ को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो दिखना चाहिए कि हाँ ये ट्री है एक। तो इस तरह से आप उनको, आपको ड्रॉइंग करके दिखाना रहता है। इस तरह से ट्री को बना दिए, उसके बाद कुछ दूर में इस तरह का ग्रास है यहां पे, तो उसको आप बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम अगर चाहें तो शेडो दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग करने के लिए ट्री को। उसके बाद यहां से कुछ रास्ता बना सकते हैं इस तरह से, ये रास्ता हो गया। यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रास, दूर में कुछ घास बना सकते हैं इस तरह से। बस आप उसको ड्राइंग कर दीजिए जैसे भी आपको आ रहा है, और कुछ चाहे तो पीछे माउंटेन भी आराम से आप इसको दिखा सकते हैं। इस तरह से आप बना दीजिए, कुछ चाहे तो बर्ड भी ऊपर ऐसे क्रिएट कर दीजिए इस तरह से। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी और ट्री हमको बनाना है तो वो बना सकते हैं। अगर कुछ ह्यूमन फिगर आप रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे छोटा सा एक फिगर को बना दीजिए इस तरह से।
और कोई फिगर रखना है यहाँ पे, एक और फिगर आप बना दीजिए इस तरह से। पूरा रियलिस्टिक बनाने की आपको जरूरत नहीं है, वो थोड़ा दिखना चाहिए कि ये कोई फिगर है। तो इस तरह से लैंडस्केप से संबंधित ये हो गया। लैंडस्केप करने के बाद देखिए क्या है कि वो कुछ भी आपसे बनवा सकते हैं। अगर आपको बोला जा रहा है कि आप बर्ड बनाइए, तो आपको जैसे बर्ड आता है आप उसी तरह से बनाइए। कोई इसमें ये नहीं कि आप कोई पहले फॉर्म बनाइए उसका फिर बनाइए, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए बर्ड बनाने के लिए इजी वे में इस तरह से सर्कल कर सकते हैं, इस तरह से एक ट्रायंगल ये फॉर्म। अब इसको हम अगर ड्रॉ करते हैं तो यहां से ये जो लाइन है इसको इसमें मिला देंगे। देखिए इस तरह से सिंपल वे में उनको आप बता सकते हैं। मैं बहुत रियलिस्टिक नहीं बना रहा हूं, एक फॉर्म बना के आपको बता रहा हूं किस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह से उसका पैर आप बना दीजिए, वहां पे सिर्फ आपको बना के दिखाना है। यहां पे उसके अनुसार आप यहां पे शेडिंग कर सकते हैं, आईज यहां पे आप बना दीजिए। तो एक आपको फॉर्म बना के दिखाना है, यहां पे आप चाहे तो ट्री या कुछ भी इस तरह का बना के दिखा सकते हैं कि इस पे ये बैठा हुआ है। यहां पे चाहे तो कुछ पत्ती भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं आप इस तरह से। बस सिंपल वे में आपको वह दिखाना है। ये एक बर्ड का है, अलग तरह से भी आप अपने अनुसार भी बर्ड बना सकते हैं जैसे आप बनाने जानते हैं। यदि आपसे कोई ऑब्जेक्ट वो बनवा रहे हैं, जो भी चीज यदि आपको चॉइस दे रहे हैं कि आप अपने अनुसार बनाइए, तो मैं आपको बता दूं स्टिल लाइफ या ऑब्जेक्ट कोई भी बनाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे जब भी आप कोई चीज बनाएं तो वो ध्यान में रखें कि कैसे वो सीधा बने। क्या होता है कि देखिए अगर हम कुछ बना रहे हैं जैसे घड़ा बना रहे हैं, तो कभी कभी होता है कि घड़ा हमारा ऐसे टेढ़ा बन जाता है, सीधा ना बन करके ऐसे हम बनाते हैं तो इस तरह से कुछ टेढ़ा हो जाएगा। तो कैसे आप सीधा बना सकते हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जब भी आप घड़ा बनाएं या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएं, तो आप पहले एक लाइन सीधी ऐसे खींच लीजिए, फिर दोनों तरफ बराबर डिवाइड करिए। देखिए ये जैसे जितनी दूर ये लाइन जा रहा है, तो आप यहाँ से राउंड करिए इस तरह से साइड से ऐसे, और जितना इस साइड घूमेगा उतना ही इस साइड से भी, तो उतना ही इस साइड से भी रखिए और दोनों तरफ से राउंड करिए, तभी वो इक्वल बन पाएगा। तो इस तरह से देखिए आप इसको ऑब्जेक्ट को इस तरह से कोई बेस बना सकते हैं जिस पे वो रखा हुआ है। और अगर आपको वो लाइट सेट या कुछ भी और बोलते हैं तो आप वो भी दिखा सकते हैं। अगर वो बोल रहे हैं ग्लास भी बनाइए, तो साथ में आप ये लाइन जरूर खींचे, बाद में आप इरेज कर सकते हैं, क्योंकि इसी से वो दोनों तरफ डिवाइड होगा अच्छे से, दोनों तरफ इक्वल बनेगा, नहीं तो क्या होगा ग्लास टेढ़ा बन जाएगा तो वो दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए हम लाइट ले रहे हैं, ठीक है लाइट इधर से आ रही, तो इस तरह का जो भी पार्ट होता है देखिए इस तरह का, तो अगर लाइट इस साइड से आ रही है तो ये लाइट यहां ना पड़ करके यहां पड़ेगी, तो इस साइड क्या होगा यहां पे डार्क होगा ऐसे, और इधर जाते जाते लाइट हो जाएगा, और ये यहां से डार्क इस साइड शुरू होगा और इधर आते आते लाइट हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा कि आप देखिए यहां पे डार्क थोड़ा होगा, इधर आके लाइट हो जाएगा, और यहां से डार्क चलेगा इधर से लाइट हो जाएगा। और अब हमको डार्क इस साइड से करना है, देखिए यहां से इस तरह से वो आपको इस तरह से इधर साइड डार्क होगा, आपको ये ध्यान रखना है, और मिडिल टोन इस साइड आएगा फिर लाइट इधर से रहेगा। उसी तरह से ग्लास में भी अपने अनुसार आप इधर से डार्क करेंगे। बहुत अच्छे से इसको किया जा सकता है, बट इसमें वीडियो में काफी टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ इस तरह से आपको बता दे रहा हूं। पेंसिल से ये बहुत अच्छे से लाइट और शेड दिखाया जा सकता है। आप पीछे चाहें तो डेपरी बना सकते हैं, नहीं भी चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप इस तरह से बनाएं, जैसे कोई आप बॉटल बना रहे हैं, देखिए बॉटल बनाने के लिए आपको सीधी लाइन की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, तो इस तरह से कोई बॉटल बना रहे हैं आप, बॉटल इस तरह का
दोनों तरफ इक्वल लाइन लेके आइए, इस तरह से आप ड्रॉ करिए, कोई मग जैसे बना रहे हैं, देखिए इस तरह से आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये चीजें, ये मग हो गया। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप बना सकते हैं अपने अनुसार, कोई प्लेट बोल रहे हैं तो प्लेट भी आप ऐसे इस तरह से प्लेट भी बना सकते हैं, उसमें अगर कुछ फ्रूट्स बोल रहे हैं तो फ्रूट्स भी आप बना दीजिए इस तरह से, अलग अलग तरह से आप बना सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग हो गई। यदि आपको कोई कंपोजिशन बनाने के लिए बोला जा रहा है तो आप कोई भी अपने अनुसार जो आपको इजी वे में आता है आप उसको बना सकते हैं। जैसे अगर सब्जी मार्केट का वो बोला जाए बनाने के लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से। देखिए पहले क्या है, कंपोजिशन में जो ड्रॉ करते हैं उसमें एक हम अनुमान लगा लेंगे कि हमारा फिगर जो है कहाँ तक जाएगा और कैसे बनेगा। तो इस तरह से एक फॉर्म हम बना लेंगे। अब देखिए हम कैसे कंपोजिशन बना रहे हैं, आप उसको ध्यान से यहां पे इस तरह से इसको हम ड्रॉ करेंगे। इस हाथ में तराजू रखेंगे, इस तरह से तो बनाएंगे ये सारी चीजें इस तरह से, यहाँ पे तराजू कुछ चीजें यहाँ पे रखेंगे, इसमें कुछ आलू या कुछ इस तरह का जो भी चीज़ें बेच रही हूँ वो यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे कुछ जो फल की टोकरी है उसमें कुछ फल हैं इस तरह से, सब्जी है, फल है, जो भी है इसमें रखा हुआ है इस तरह से। तो ये टोकरी है इस तरह से, ये रखा हुआ, कई टोकरी यहाँ पास में होती है, आप देखे ही होंगे सब्जी खरीदने जब भी जाते होंगे तो इस तरह का आपको दिखाई देता होगा इस तरह का, गाजर, मूली, बहुत तरह का सब्जी यहाँ पे रखा होता है। और भी कुछ चीज़ें, मान लीजिए यहाँ बोरी कोई रखी है उसमें आलू भी रखे हैं, प्याज, आलू, कुछ भी यहाँ पे इस तरह का, कोई अगर बोरी नहीं है तो बहुत सारा प्लास्टिक का भी आने लगा है इस तरह का, वहाँ पे रखा हुआ है। और क्या होता है कि जब इस तरह का यहाँ पे फिगर आप बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि और थोड़ा सा सब्जी इधर बनाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें और रखी हुई हैं, इनका स्टॉल कैसा होता है वो भी देखिए, इस तरह का कुछ यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ पे हाउस, एक छोटा सा मतलब सब्जी बेचने का दुकान, पीछे गेट है एक इस तरह से, और कुछ यहाँ पे और भी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे लगा होता है वहाँ पे, और कुछ चीज़ें यहाँ पे ईंट भी है, इस तरह से आप बना सकते हैं इसको कि ईंट लगा के इसको रखा गया है, आप
अपने अनुसार आपको जैसा भी आता है, ये जरूरी नहीं कि आपका ऐसा बने, आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं। इस तरह से कुछ से यहाँ रखा हुआ है, बहुत तरह का सब्जी सब्जी वाले के पास होता है, तो इस तरह से आप यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद मान लीजिए कोई कस्टमर है जो खरीद रहा है इसको, तो उसको भी बनाइए यहाँ पे। तो यहाँ से हम फिगर को शुरू करते हैं। जैसा भी आप बना पा रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम सेम ऐसा ही बनना चाहिए या इस तरह का, जैसा भी आपको आ रहा है आप उस अनुसार से। ये बैग है जिसमें सब्जी लेने के लिए आए हैं, वॉच पहने हुए यहाँ पे ये। यहाँ पे यहाँ पे सूज भी बना दीजिए इनका इस तरह से, और ये खड़े हुए हैं इस तरह से। एक हाथ और इनका इधर जो है इस साइड आया है, इस तरह से इसको आप बना सकते हैं। इनके साथ में मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा भी आया हुआ है, तो उसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए उसका, जैसा आप फिगर बना सकते हैं, कोई वो नहीं है। इस तरह से एक फॉर्म दिखना चाहिए कि हाँ इस तरह से कुछ है। शूज पहनी हुई है बच्ची, इस तरह से बना सकते हैं। और इनके बगल में भी कुछ फिगर्स आप बना सकते हैं, और भी कुछ लोग उनके बगल में सब्जी बेच रहे हैं। कुछ इस अंदाज में बैठे हुए हैं इस तरह से, उनको भी साइड से दिखा सकते हैं, इस तरह से फिगर बना सकते हैं। और बैकग्राउंड में कुछ और चीज़ें आप एक सब्जी का, यहाँ से कुछ बिल्डिंग्स है या कुछ भी इस तरह का आप उसको दिखा सकते हैं। ऐसा माहौल है मार्केट का, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं। दूर में कुछ ट्री या इस तरह का फिगर आप कंपोजिशन में उनको दिखा सकते हैं कि ये मार्केट है, ये रास्ता है, इस तरह से आप उनको बना के बता सकते हैं। ये कंपोजिशन हो गया। कुछ चीज़ें मैं आपको और बता रहा हूँ, जैसे वो जो चीज़ें आप बना रहे हैं उसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, जैसे ड्राइंग क्या है। तो ड्राइंग क्या होता है, जब हम चारकोल पेंसिल के माध्यम से कोई भी फॉर्म का निर्माण करते हैं, कोई भी फॉर्म बनाते हैं,
तो वो क्या होता है, ड्राइंग, जिसमें हम रेखाओं का प्रयोग करके कोई भी फॉर्म ड्रॉ करते हैं, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा पेंटिंग क्या होता है। पेंटिंग क्या है, कलर के माध्यम से, कलर का प्रयोग करके जब हम किसी फॉर्म या आकृति का निर्माण करते हैं तो उसे पेंटिंग कहा जाता है, जिसमें कलर का यूज होता है। तो कुछ टेक्निकल भी क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है चारकोल क्या है, चारकोल क्या है। तो चारकोल जो है अंगूर की लकड़ी से बनता है, अंगूर की जली हुई लकड़ी से चारकोल बनता है। ग्रेफाइट क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। ग्रेफाइट जो पेंसिल में यूज होता है, ब्लैक कलर का पदार्थ, उसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। वो पेंसिल में क्या है, ग्रेफाइट है। पेंसिल के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि पेंसिल में कौन सी लकड़ी का प्रयोग होता है, तो पेंसिल में सीडार, सीडार नाम की लकड़ी का प्रयोग होता है, सीडार। तो कुछ टेक्निकल चीजें भी आपको पता होनी चाहिए जो चीजें आप बना रहे हैं। तो मैं कुछ आपको अब फ्लावर बताऊंगा कि फ्लावर कैसे आप बना के दिखा सकते हैं। तो फ्लावर में जैसे हो गया गुड़हल का हिबिस्कस, तो आप देखिए कैसे होगा। तो हिबिस्कस में बहुत सिंपल है, देखिए इस तरह से फ्लावर बहुत सिंपल है। आप जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही बनाए, जैसा आपको आता है आप अपने अनुसार उसको बना सकते हैं। तो यहां पे इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ऐसे कुछ, और इस पे थोड़ा इस तरह का पार्ट कुछ बना होता है। इस तरह का, और यहाँ पे इस तरह से इसका कुछ पत्ती आप बना सकते हैं। पत्ती के लिए बहुत सिंपल है, इस तरह से ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं कुछ चीजें। जैसा भी आपको आ रहा है फ्लावर आप वैसा ही बनाइए, कोई ये नहीं कि नहीं एकदम बहुत सुंदर बनाना है या फिर ऐसा, जैसा आपको आ रहा है। क्योंकि ड्राइंग देखिए सबकी एक तरह की नहीं होती है, किसी का थ्योरी बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का ड्राइंग अच्छा हो सकता है। तो इस तरह से आप फ्लावर बना के बताएंगे। यदि आपको लोटस पूछा जाता है कमल का, तो उसको भी आप अपने अनुसार जैसे भी आपको आ रहा है उस तरह से आप बना सकते हैं, जैसा भी आपको फ्लावर आ रहा है वैसा आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आप उनको सिंपली बस दिखाना है कि आपको ये चीजें आ रही या नहीं, या आपसे नोज बनाने के लिए बोल रहे हैं नोज, तो आपको क्या करना है, सिंपली देखिए नोज, नोज रेडी हो गया है। तो इस तरह से हम नोज बना सकते हैं। साइड का नोज अगर बोल रहे हैं तो इस तरह से, इस तरह से बना सकते हैं। लिप्स बोल रहे हैं तो लिप्स भी आपको सिंपल, अपने अनुसार आप फॉर्म बना के बता सकते हैं, जैसे भी आपको इजी वे में आ रहा है। जरूरी नहीं जैसा हम बना रहे वैसा ही आप बनाइए। तो ये सब की आपको प्रैक्टिस करना है, और डेमो क्लास से आपको घबराना नहीं। डेमो क्लास बस इसी तरह का है, आपसे कुछ चीज़ें वो बनवाएंगे, आपको कॉन्फिडेंट होके बना देना है डेमो क्लास में। और जो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, आपके वर्क से रिलेटेड बातें हो सकती हैं, आपके
कुछ जो वर्क किए हैं उससे कुछ टेक्निकल चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। तो टीचिंग डेमो से संबंधित ये हमने वीडियो आपके लिए बनाया है। मुझे विश्वास है कि शायद आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।